30 अप्रैल 2024 कन्या राशि का राशिफल छोटे आश्चर्यों के लिए तैयार रहे, लेकिन वे सुखद भी हो सकते हैं। इस दिन किसी बड़े पिछले जन्म के प्रभाव का अनुमान नहीं है। आपको कोई नया गैजेट या तकनीकी समाधान मिल सकता है जो आपकी रुचि जगाए। यह सुर्खियों में रहने का दिन नहीं है। अपने आंतरिक कार्यों पर ध्यान दें। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट सपनों का समर्थन नहीं कर सकती है, लेकिन ज्वलंत सपने आ सकते हैं। ध्यान या प्रकृति में समय बिताना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। यह विशिष्ट दिन पिछले जन्मों के अनुभव को दोबारा जगाने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने या कानूनी विवादों में पड़ने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ संचार और समझ अच्छी हो सकती है। किसी विशेष नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति आपके भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी। जांच लें कि क्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुभ माने जाने वाले किसी वार पर पड़ती है। वृद्धि के अवसर या अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। आत्मनिरीक्षण और ज्ञान की प्राप्ति समृद्ध कर सकती है। नए विचारों पर विचार मंथन करने या कलात्मक प्रयासों में शामिल होने के लिए यह एक अच्छा दिन है। प्रियजनों के साथ समय बिताना या सामाजिक समारोहों में शामिल होना सुखद हो सकता है। ध्यान या योग जैसी आरामदायक गतिविधियां करने की सलाह दी जाती है। आप नए ज्ञान और सीखने के लिए ग्रहणीय हो सकते हैं। संचार सुचारू रहने की संभावना है और नए रास्ते खोल सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहने का संकेत है। घर के वातावरण में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। अप्रत्याशित घटनाओं के होने की संभावना कम है। आज के राशिफल में पिछले जन्मों के संकेत न के बराबर हैं। तकनीकी क्षेत्र में कोई नई जानकारी मिल सकती है जिसमें आपकी रुचि जागृत हो सकती है। आज का दिन सार्वजनिक पहचान पाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपने कार्यों पर ध्यान दें। स्पष्ट स्वप्न आने की संभावना कम है। ध्यान करने या प्रकृति में समय बिताने से मानसिक शांति मिल सकती है। आज का दिन पिछले जन्मों के अनुभव को दोबारा जगाने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए उपयुक्त नहीं है। आज किसी भी तरह के कानूनी मामलों में न उलझें। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। अपनों के लिए आप कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा। पेशेवर सफलता के लिए कठिन परिश्रम बनाए रखें। आज आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि जागृत हो सकती है। मित्रों और परिवार के साथ मेलजोल बढ़ सकता है। थोड़ा आराम करने और तनाव दूर करने का प्रयास करें। नई चीज़ें सीखने में रुचि जागृत हो सकती हैं। वाणी में मधुरता रहेगी। दूसरों से सहयोग प्राप्त होगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सूझबूझ से काम लें। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धन संबंधित मामलों को लेकर सतर्क रहें। फिजूल खर्ची से बचें। यात्रा करने की योजना टाल देना ही बेहतर है। स्वास्थ्य अच्छा रहने का संकेत।